हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड यू एंड आई एम योर होस्ट पूनम सिकारवार। डिलीवरी के बाद मोस्टली लेडीज़ का यही कंसर्न होता है कि वो अपना वेट लूज़ कैसे करें, और इसलिए काफ़ी सारी लेडीज़ डिलीवरी के बाद अपनी टमी को देखकर टेंशन में आ जाती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हमको वेट गेन करने में 9 मंथ्स लगते हैं तो ऑब्वियसली उसको घटाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में पता होगा जिनको अगर आप अप्लाई करोगी तो उनसे आपका बहुत ही जल्दी वेट लूज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतनी अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ जो कोई आपको नहीं बताएगा, और ये टिप्स मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया था, और मैंने अपनी प्रेगनेंसी के जस्ट बाद विद इन 2-3 मंथ्स में अपना 15 किलो वेट कम भी किया था। तो आज इन टिप्स को मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। आप इन टिप्स को ऐसे ही फॉलो करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और ये डिलीवरी के जस्ट बाद से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। तो चलिए मैं आपको इन सारी टिप्स को एक एक करके बताती हूँ, लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखना तभी आपको ये टिप्स अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको अपने डिलीवरी के बाद में गर्म पानी का कंज्यूम करना है। कम से कम 3 या 4 महीने तक अगर आप गर्म पानी पियोगी तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और इससे आपका वेट लूज बहुत ही फास्ट होता है। गर्म पानी पीने से आपका यूट्रस जो है वो जल्दी शेप में आता है, और इसके अलावा आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आउट होते हैं, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो आपकी बॉडी वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इसलिए आप गर्म पानी का यूज करें। जो सेकंड जो टिप आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आप गर्म पानी से ही नहाएं, चाहे कोई भी मौसम हो। गर्म पानी का मतलब है कि गुनगुना वाटर। देखिए, अगर आप गुनगुने वाटर से नहाते हो तो एक तो आपके मसल्स की अच्छे से सिकाई हो जाती है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका यूट्रस जो होता है उसको ओरिजिनल शेप में आने में कम से कम 1.5 महीना लगता है। लेकिन अगर आप गर्म पानी से अपने पेट की अच्छे से सिकाई करोगे तो उससे आपका यूट्रस बहुत जल्दी शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट जो है वो जल्दी फ्लैट होने लग जाता है। जो थर्ड टिप आपको फॉलो करनी है कि आपको गरम गरम चीज़ें खानी हैं। गरम चीज़ों में जैसे जो सबसे इफ़ेक्टिव होता है वो होता है आटे का हलवा। आटे का हलवा अगर आप थोड़ा गरम गरम खाओगे तो उससे आपका यूट्रस जल्दी शेप में आएगा। इसके अलावा आप दूध दलिया खा सकते हो। दूध दलिया खाना बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। हमारी तरफ, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, हमारी तरफ मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप फर्स्ट 6 मंथ में दूध दलिया कंज्यूम करोगे तो ये आपके बच्चे का जो बच्चे के लिए जो मिल्क सप्लाई होगा, आपका खुद का मिल्क सप्लाई होगा, वो कभी कम नहीं होगा, और इसके अलावा आपका टमी भी बहुत जल्दी फ्लैट होगा। तो आप गरम गरम चीजें ही खाएं जिससे आपका यूट्रस जल्दी से शेप में आए। जो फोर्थ टिप आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको एब्डोमिनल बेल्ट आती है, उसका यूज़ करना है। बेल्ट जो होती है उसके डबल फायदे होते हैं। एक तो आपके टमी को फ्लैट करती है, और दूसरा आपके जो बैक में पेन हो रहा होता है, काफ़ी लेडीज़ को प्रेगनेंसी में बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वो भी सही हो जाता है। लेकिन आप अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 15 दिन के बाद ही बेल्ट पहन सकती हैं। लेकिन अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप डॉक्टर से रिकमेंड करके ही इस एब्डोमिनल बेल्ट को पहने, क्योंकि उससे स्टिचेस जो होते हैं कई बार पक जाते हैं और कई बार उनमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप डॉक्टर से जरूर रिकमेंड करें जब भी आप एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करने वाले हो उससे पहले। इसके अलावा जो फिफ्थ टिप आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको अपने फर्स्ट 6 मंथ में बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, शुगर वाला फूड नहीं खाना है। जितना हो सके उतना इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि इन सब चीज़ों से फैट तो बनता ही है, प्लस आपके बच्चे के लिए भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, आपके बच्चे को लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी अगर आप अवॉइड करोगे तो भी आपका वेट लूज बहुत फास्ट होगा।
जो सिक्स टिप आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको अजवाइन का पानी कंज्यूम करना है। अजवाइन जो होती है वो डिलीवरी के जस्ट बाद बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अजवाइन कंज्यूम करने से आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपके बच्चे को जो कॉलिक पेन होता है वो नहीं होता है, और ये आपके अंदर मिल्क सप्लाई को भी इंक्रीज करता है। तो डिलीवरी के जस्ट बाद से आप अजवाइन का वाटर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए बस आपको एक चम्मच अजवाइन गर्म पानी में बॉईल करनी है और उसको सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले पी सकते हैं। एक ग्लास ही सफिशिएंट होता है और उसमें एक चम्मच ही अजवाइन आपको डालनी है। तो अजवाइन का वाटर भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वेट लूज में और इसको आप कंज्यूम कर सकती हैं। इसके बाद जो सेवन्थ टिप है वो है कि आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर करवाना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपना वेट लूज करना चाहती हैं। मैंने भी अपने बच्चे को बहुत ब्रेस्ट फीड करवाया है, 2 ईयर्स हो चुके हैं मेरे बेबी को और मैं अभी तक उसको ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग के मैंने खुद ने बेनिफिट्स देखे हैं कि इससे बहुत जल्दी वेट लूज होता है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं करवा पा रही हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ तो आप उसको ब्रेस्ट फीड करवाएं, जिससे कि आपकी कैलोरीज बर्न हो और आपके बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल हो। सबसे ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी की बर्न होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी तो भी आपका वेट लूज होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करें, आप हेल्दी फूड खाएं, आप फालतू का उल्टा सीधा खाना ना खाएं शुरुआत में, और अपने खाने की आदत को सुधारें, क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खाने की हैबिट हो जाती है। तो वही चीज़ आप आगे भी कंटिन्यू ना करें, आप मतलब इंटरवल्स में खाएं, जैसे कि 1 घंटे में कुछ खा लिया, फिर 2-3 घंटे बाद कुछ खा लिया, एक साथ ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। और अगर आप अपनी खाने की आदतों को सुधारेंगे तो इससे भी आपका वेट लूज बहुत आसानी से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकती हैं। ग्रीन टी भी बहुत बेनिफिशियल होती है। काफ़ी सारी लेडीज़ को अजवाइन वाटर जो है वो सूट नहीं करता है, और समर में थोड़ा अजवाइन जो है वो गर्मी करती है, तो आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकती हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं ग्रीन टी के, तो आप ग्रीन टी का भी यूज़ करके अपना वेट लूज कर सकती हैं। इसके बच्चे के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और जो 10th टिप है हमारी वो यही है कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। 1-1.5 महीने के बाद से अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप एटलीस्ट वॉक तो ज़रूर करें, और धीरे धीरे वॉक स्टार्ट करें जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, लेकिन कम से कम आधा घंटा अगर आप 1.5 महीने के बाद वॉक स्टार्ट कर देंगी तो इससे आपका बहुत वेट लूज होगा। आप थोड़े घर के काम करना स्टार्ट कर दें तो वॉकिंग जो है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है आपका वेट लूज करने के लिए। और आपका सी सेक्शन हुआ है तो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं, तो आप लोग भी वॉक कर सकती हैं। तो ये 10 टिप्स हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगी तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपकी बहुत जल्दी वेट लूज भी होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मैं इस चैनल पर प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। मैं बहुत जल्दी एक और नया वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए Take care of yours and bye bye.